पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमने पिछले दिनों तौपशात के सवैये दीनन की पितपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे, इन 10 सवैयों में 9 सवैयों पर विचार सांझे किए। ये वाणी अकाल उस्तत में है। आज अंतिम सवैया जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बाह्या डंबर कर्म कांड भेक दिखावे अपने आप को भूल में रखना अपने आप को धोखा देना जैसे क्रियाकलापों का संक्षिप्त रेखा चित्र दर्शित किया है। सवैया कुछ इस प्रकार है। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे परमात्मा प्राप्ति अकाल पुरख परमात्मा की साधना करने हेतु संसार में अनेक तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं। वहां जाकर तीर्थ स्थलों पर स्नान कर रहे हैं दान दे रहे हैं और अनेक प्रकार के विधिवत कार्यक्रम कर रहे हैं संपन्न कर रहे हैं। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे अनेक प्रकार के व्रत भी रखते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरियो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे देश फिरियो। कई परमात्मा प्राप्ति परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तीर्थाटन करते हैं देश देशांतर की यात्राएं करते हैं अनेक प्रकार के भेष धारण करते हैं। एक बार मस्कीन जी अपनी कथा में दर्शा रहे थे उन्होंने एक प्रकांड संस्कृत के महान विद्वान संत उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। वहां उन्होंने मंगलाचरण मूल मंत्र के बारे शिक्षा ग्रहण आरंभ की। वो जो पंडित थे महान संत उन्होंने एक ओंकार से
कथा शुरू की। लगभग 3 महीने वो एक ओंकार पर ही व्याख्यान करते रहे। मस्कीन जी युवा थे, अधीर हो गए। उन्होंने पूछा कि संत जी आगे भी बढ़ना है, आगे की पंक्तियों पर भी रोशनी डाली जाए। तब संत जी ने फरमाया कि मैं क्या करूं, एक ओंकार ही खत्म नहीं होता। ऐसे महान संत, एक दिन उन्होंने अचनचेत मस्कीन जी से कहा कि भाई अब पढ़ाई बीच में छोड़नी होगी, मुझे गंगा की परिक्रमा करनी है। मस्कीन जी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा कि गंगा की परिक्रमा कैसे? तो उन्होंने कहा कि गंगोत्री पर जाऊंगा, उसके एक पासे से, एक साइड से यात्रा पैदल शुरू करूंगा, गंगा सागर तक आऊंगा, गंगा सागर से फिर इस ओर से फिर गंगोत्री तक पहुंचूंगा, तब यात्रा समाप्त हो गई। मस्कीन जी कह रहे थे कि 12 बरस उनको इस यात्रा में लगे, देश फिरियो कर भेष तपोधन। ऐसे देशांतन तीर्थाटन करने वाले उनका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी कर रहे हैं। देश फिरियो कर भेष तपोधन, कई प्रकार के वेश धारण करके तपोधन। तपोधन अर्थात ऐसे संत जो तप को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं, तपोधन। देश फिरियो कर भेष तपोधन, केस धरे न मिले हर प्यारे। कई लोग केस बढ़ा लेते हैं, जटाएं बढ़ा लेते हैं, जटाएं रखते हैं, लेकिन उन्हें हरि प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो पाती। देश फिरियो कर भेष तपोधन, केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग, कई प्रकार के आसन करते हुए ध्यान परमात्मा का कुछ लोग करते हैं। अष्टांग, अष्टांग अर्थात 8 अंग, सिर, छाती, घुटना, बुद्धि, दृष्टि, विचार और वचन। 8 प्रकार के अंगों से परमात्मा का ध्यान साष्टांग प्रणाम करते हुए परमात्मा का ध्यान करना, उसे अष्टांग कहा जाता है। योग साधना में भी 8 प्रकार के आसन होते हैं जिनके माध्यम से योगी परमात्मा का ध्यान करता है, ध्यान साधना करता है। अष्टांग, आसन कोट करे अष्टांग, धरे बहुन्यास। न्यास कहते हैं विश्वास को। बहुत सारे विश्वास मनुख अपने मन में रखते हुए परमात्मा की साधना करते हैं। आसन कोट करे अष्टांग, धरे बहुन्यास, करे मुख कारे। अपने मुख को विभूति से, राख से, कालिक से मल कर कुछ लोग परमात्मा की साधना करते हैं, उनका जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी ने इस सवैये में किया है। आसन कोट करे अष्टांग,
धरे बहुन्यास करे मुख कारे, दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। गुरु महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा को सच्चे मन से भजे बिना ये सभी अपने कार्यों में असफल हुए हैं और अंत में अपने धाम को सिधारे हैं। अकाल पुरख परमात्मा की साधना सच्चे प्रेम द्वारा पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने पर ही हो सकती है। एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, कालफास के बीच न आयो। परमात्मा को प्रेम से ही जीता जा सकता है, ऐसी व्याख्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उदाहरण देते हुए कर्म कांडों का बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए इस सवैये में दर्शाया है कि परमात्मा को प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सवैया एक बार फिर, तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे, देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे, आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे, दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। सत्कार योग सत्संग योग, आज ही विश्राम है। इस प्रकार 10 सवैये पूर्ण हुए हैं, गुरु महाराज की बख्शीश हुई, महाराज ने कृपा करके ये सेवा करवाई। भूला चुका क्षमा बख्शो, फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।